जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो हमेशा चाहते हैं कि हमारा पैसा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे, ऐसी परफॉर्मेंस दे कि हम रातों रात अमीर बन जाएं और अपने जीवन में कभी भी कमी का सामना न करें। पैसे का अच्छा प्रदर्शन करने का इस बात से कोई लेना देना ही नहीं होता कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि इस बात से ज्यादा लेना देना होता है कि आप अपने पैसे के साथ कैसा बिहेव करते हैं। बिहेवियर कभी भी किसी को सिखाया नहीं जा सकता, बिहेवियर तो खुद ऑब्जर्व करने से आता है, बहुत ही समझ के बाद आता है। भावनाओं के आधार पर पैसे संबंधित निर्णय नहीं लिए जाते, ये निर्णय लिए जाते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर। पैसे के पीछे कौन सा मनोविज्ञान काम करता है और ये मनोविज्ञान हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों में काम कर सकता है। फर्क इतना पड़ता है कि हम इसे समझकर किस रास्ते की तरफ लगाते हैं। ये बात हमें इस किताब में पता चलती है जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउजल। ये किताब हमें इतने बेहतरीन सिद्धांतों के बारे में बताती है जिसमें पता लगता है कि पैसा जितना फाइनेंशियल गेम है उससे ज्यादा ये एक मेंटल गेम है। हमें इमोशंस में बहकर अपने पैसों को मैनेज नहीं करना है, बल्कि हमें इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है जो हमारे टारगेट्स और गोल्स के अकॉर्डिंग हो, जो मनी नंबर्स को बढ़ाने में हमारी मेहनत करती है। वो दो लोगों की तुलना करते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति रोनाल्ड रीड, जो एक चौकीदार और कार मैकेनिक था, जो अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करता था और अपने करियर के दौरान कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता था, उसके बाद वो फेमस हो गया क्योंकि वो अपने पीछे लाखों की धन दौलत छोड़ गया। और वहीं दूसरे व्यक्ति रिचर्ड फ्यूस्कॉन, जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल थे, जिन्होंने 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में अपना बहुत सा पैसा गंवा दिया। वो इस तरह के उदाहरण लेकर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एक ऐसी सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि अपनी प्लानिंग के तहत चला जाए। इससे पहले मैं समरी शुरू करूं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आपकी बदौलत ही हमारा चैनल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच। कोई भी पागल नहीं है। जब हम बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल प्लानिंग का अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है सामने वाला पता नहीं कैसा बिहेव कर रहा है, वो अपने पैसे को कैसे यूज कर रहा है, परंतु सच ये है कि कोई भी पागल नहीं है। पैसे को यूज करना और पैसे का एक्सपीरियंस हर किसी के लिए इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। आप जो सोचते हैं दुनिया कैसे काम करती है उसके बारे में आपको सिर्फ कुछ परसेंट ही पता है। हर व्यक्ति अपने अलग अलग अनुभवों को लेकर बड़ा होता है और उन्हीं अनुभवों के अनुसार वो अपने पैसे को यूज करता है और अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करता है। इसलिए चाहे हमें कितना भी लगे कि लोग पागलपन जैसी हरकतें करते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब अलग अलग पीढ़ियों से हैं। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी और हमारे पैसे खर्च करने के तरीकों में फर्क तो होगा ही। जिन लोगों ने अपने समय में बाजार में भारी गिरावट देखी और अपना नुकसान देखा, उनको पैसे की एक अलग तरह की वैल्यू होगी, और जिन लोगों ने शेयर मार्केट में अपने पैसे को बढ़ते हुए देखा होगा, उनके लिए पैसा एक अलग वैल्यू रखेगा। ये सब एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपनी तरफ ही देख लीजिए। आपने अपने बचपन से लेकर अपने बड़े होने तक पैसे का सामना किस तरह से किया है और आपके दोस्तों ने किस तरह से किया है, यदि आप उसको भी कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे आप सभी की पैसे को लेकर आदतें अलग अलग होती हैं, परंतु कोई भी पागल नहीं है। लक एंड रिस्क, इसके लिए एक कहानी पर ध्यान दिया जाए। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उन दोनों को कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने 13 साल की उम्र में कंप्यूटर पर सफलता हासिल कर ली, जहां पर बड़े बड़े ग्रेजुएट्स इस काम को नहीं कर पाए। अगर लक की बात की जाए तो देखा जा सकता है 18 मिलियन बच्चे अमेरिका में रहते थे, उनमें से वॉशिंगटन में 270,000 लोग रहते थे, उनमें से 100,000 से कुछ ज्यादा बच्चे सिएटल में रहते थे, उसमें से 300 बच्चे ही उस स्कूल में पढ़ते थे, और उन 300 में से वो दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कंप्यूटर पर सफलता हासिल कर ली। माना कि बिल गेट्स और पॉल एलन ने मेहनत बहुत की, पर कहीं ना कहीं किस्मत ने भी उनका साथ दिया। बिल गेट्स का ही कहना है कि अगर उनका स्कूल नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। अगर इसके साथ साथ देखा जाए तो उनके दोस्त ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर उनको उनका साथ नहीं मिला होता तो शायद आज दृश्य कुछ और ही होता। अब इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात, बिल गेट्स की इस टीम का हिस्सा उनके एक दोस्त केंट इवांस भी थे। इससे पहले कि वो हाई स्कूल पास कर पाते, माउंटेन चढ़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। देखा जाए तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने लेक साइड से ग्रेजुएट होकर लाखों में से किसी एक भाग्य का अनुभव किया, और वहीं केंट इवांस जिनकी मृत्यु हो गई, उनके जीवन ये सबसे बड़ा जोखिम था। इसलिए यदि देखा जाए तो मेहनत के साथ साथ किस्मत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे जीवन का आधार ही ये दोनों हैं। लेकिन अगर फाइनेंस की बात की जाए तो अगर किस्मत को साइड में रख दिया जाए तो हमारे एक्शंस हार्डवर्किंग होने चाहिए। जोखिम सफलता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, उससे गुजरे बिना सफलता हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी माना जाता है। वी नेवर फील इनफ। जो लोग करोड़पति हैं उन्हें लगता है और पैसा कमाया जाए और अरबपति बना जाए,
जो अरबपति हैं वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार होना चाहते हैं। पैसे के पीछे भागने वाला ये खेल कभी खत्म नहीं होता। लोग आगे से आगे पहुंचने के लिए पागलपन वाली हरकतें भी करते हैं। वो ऐसी चीजों के लिए जिनकी उनको कोई जरूरत नहीं है उन चीजों को जोखिम में डाल देते हैं जो उनके पास है। वॉरेन बफे अपने शब्दों में कहते हैं कि लोगों ने पैसा कमाने के लिए अपनी प्रेजेंट की चीजों को जोखिम में डाल दिया, अपने उस फ्यूचर को पाने के लिए जिसकी उनको जरूरत ही नहीं थी। जब हम ज्यादा 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 और भी ज्यादा पाने में यकीन रखते हैं तो संतुष्टि कहीं गायब हो जाती है, और अगर संतुष्टि कहीं चली गई तो कितना भी पा लीजिए आप हमेशा अधूरा ही महसूस करेंगे। हम अपनी तुलना औरों से करते हैं और ये एक ऐसी समस्या है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये लड़ाई है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते। इसलिए जीने का और जीतने का एकमात्र तरीका है कि आप यह स्वीकार करें कि हर किसी के पास चीजें हो सकती हैं, आपसे ज्यादा भी हो सकती हैं और आपसे कम भी हो सकती हैं। जब भी आप कुछ चीजों को जोखिम में डालें तो यह देख लें कि आपकी डिग्निटी, आपके परिवार वाले और आपकी फ्रीडम, ये कभी भी जोखिम में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो अनमोल हैं, जिन्हें दोबारा पाया नहीं जा सकता। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। हाउजल कहते हैं कि लोग पाना तो बहुत चाहते हैं लेकिन छोटी उम्र से निवेश नहीं करते। वॉरेन बफे का उदाहरण लिया जाए तो जब वो 10 साल के थे तब से निवेश कर रहे हैं, क्योंकि लोग धन पाने पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो इस तरीके पर विचार नहीं करते कि कैसे जिया जाए। इसके लिए बेस्ट होगा कि आप धन पाने के लिए आशावादी रहें और थोड़ा बहुत जोखिम भी उठाएं, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए आपको सावधान रहना होगा और पैसों को समझकर खर्च करना होगा। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने पैसे को बचाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा अच्छे निर्णय ही लेंगे, बल्कि इसका ये मतलब है कि आप अपने निर्णय को लेते समय जो गड़बड़ी आती है उसके लिए भी पूरी प्लानिंग करेंगे। मॉर्गन हाउजल का मानना है कि पैसा कमाना और पैसे को बनाए रखना ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो ऐसा बनना पड़ेगा जो हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हो, खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो और होपफुल इंसान हो। लेकिन अगर आपको धन को बनाए रखना है तो आपको उसके लिए विनम्र होना पड़ेगा। आपको अपने मन में घमंड को लाने से डरना होगा। आपके मन में ये छोटा सा डर जरूर होना चाहिए कि जो कुछ भी आपने कमाया है, कई बार ऐसा हो सकता है कि विपरीत परिस्थिति आने पर यह धन चला जाए। आपको ये स्वीकार करना होगा कि हम जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हमारी किस्मत पर भी डिपेंड करता है, और अगर हमें एक बार सफलता मिल गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बार बार सफलता मिलती रहेगी, क्योंकि सफलता और असफलता तो जीवन के अटूट पहलू हैं। जब हम विश्व के महान अमीर लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतें अपनाई जिनकी वजह से वो अंतिम समय तक अपने पायदान पर खड़े रहे। जैसे कि उन्होंने कर्ज नहीं लिया, उन्होंने इस तरह का घमंड नहीं दिखाया कि वो ही सबसे अमीर हैं और उनका पैसा जीवन भर बना रहेगा। जब उनके जीवन में असफलता आई और जब उन्होंने मंदी का सामना किया तो वे घबराए नहीं। उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रैटेजी प्लान नहीं की, बल्कि जब एक स्ट्रैटेजी फेल हो जाए तो दूसरी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं, ऐसी प्लानिंग भी साथ में की। कई बार कहा जाता है ना कि थोड़ा सा डर आपके जीवन को बचा सकता है, तो विनम्रता और संतुलित डर, इन दोनों के साथ से आप जीवन भर धन कमा भी सकते हैं और धन को बनाए भी रख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा, और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए आपको अपने मन में ये विश्वास रखना होगा कि आप बड़े बड़े रिटर्न तो चाहते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप फाइनेंशियली अटूट होना चाहते हैं। कोई भी समय और मौका आए, कैसे भी हालात हो, कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं सकती। चाहे आपको सफलता मिले या असफलता मिले, दोबारा से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाकर लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। टेल्स यू विन। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पूरी स्ट्रैटेजी कुछ काम नहीं आती, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी का ऐसा 10% हिस्सा जिसके बारे में आपने ज्यादा प्लान नहीं किया था, वो आपके जीवन को बदल कर रख देता है। 99% दिनों में आपने क्या डिसीजन लिया ये मैटर नहीं करता, बल्कि ऐसा एक दिन जिस दिन बाजार में कुछ बड़ा घटित हो रहा है, चाहे वो मंदी हो चाहे वो तेजी हो, और उस समय आपने क्या डिसीजन लिया वो आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद करता है। इसका उदाहरण लिया जाए तो वॉरेन बफे के पास अपने जीवन के दौरान 400 से 500 स्टॉक थे, पर जिन चीजों ने उनको पैसा दिया वो सिर्फ 10 स्टॉक ही थे। तो कई बार जीवन में ऐसा होगा कि आपको बहुत सारी छोटी छोटी हार मिलेगी, लेकिन आपका विजन होना चाहिए कि आप अपनी उस बड़ी जीत को देख पाए जिसका अवसर किसी भी दिन आ सकता है। आपको बस अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर उस सही समय पर सही निवेश करना है। फ्रीडम।
जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि लोगों को पैसे ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों से इस बात का जवाब मिलने पर रिसर्च की गई और ये पता लगा कि धन का सबसे अधिक लाभ ये होता है कि लोग अपने समय को कंट्रोल कर पाते हैं। एंगस कैंपबेल एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने रिसर्च किया कि लोगों को किस चीज़ से खुशी मिलती है और बहुत ही हैरान करने वाले आंसर सामने आए। उन्होंने पाया कि लोगों को इनकम, एजुकेशन या वो जहाँ रहते हैं वो चीज़ें ज़्यादा खुशी नहीं देती, बल्कि खुशी इस बात से मिलती है कि हम अपने टाइम पर कितना कंट्रोल करना चाहते हैं, हम जो भी करना चाहें वो जिस भी समय कर सकते हैं। तो पैसे की सबसे बड़ी जीत इसी बात में होती है कि आप अपने समय को, अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। समय पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, आप जो करना चाहें, जहाँ करना चाहें और जैसे भी रहना चाहें, यह सब करने की मंजूरी मिल जाती है यदि आप धन के मामले में खुश नसीब हैं। जैसे कि द मैन इन द कार पैराडॉक्स, ये एक तरह का एग्जाम्पल है जो इसलिए दिया जाता है कि जब लोग किसी को महंगी कार चलाते हुए देखते हैं तो वो उस कार के चलाने वाले पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वो अपने आप को ऐसे देखने लगते हैं मानो वो कार उनकी है। वो ऐसा इमेजिन करने लगते हैं कि जब वो इस कार में बैठकर इस कार को चलाएंगे तो कैसा लगेगा। इसका यही मतलब है कि हम अपनी सोच पर, अपने जीवन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब पैसा साथ होता है तो ये सब करना आसान होता है। जब हम लोगों को यह दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, तो हम उसके पीछे ये नहीं देख पाते कि वो पैसा हम खर्च किए जा रहे हैं, वो भी इस बात के लिए कि ताकि लोगों को पता लग जाए कि हम बहुत अमीर हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अब हम पहले की तुलना में थोड़े कम अमीर हो गए हैं क्योंकि वो पैसा हमने खर्च कर दिया है। हम तो यह भी नहीं जानते कि जब कोई व्यक्ति अपने पैसे का दिखावा करता है तो वो उसने ऋण लेकर किया होता है या पूरा अपना पैसा लगाया होता है। अमीर होने और अमीर रहने में बहुत अंतर होता है। बड़े घर, महंगी गाड़ियां खरीदकर हर कोई अमीर होने का दिखावा कर सकता है, लेकिन अमीर बन नहीं सकता, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है और सेविंग्स भी। सेव मनी, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लें और अपनी आय के कितने भी साधन बढ़ा लें, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि जो पैसा आपके घर आ रहा है उसे आप किस तरह से सेव कर रही हैं। रीजनेबल ज्यादा जरूरी है रैशनल रहने से। जब भी हम पैसे की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमेशा लॉजिक से डिसीजन लेना काम नहीं करता। कभी कभी हमें ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो हमारी जरूरतों और हमारी लाइफ को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डेटा, मैथ्स और कैलकुलेशन कुछ और कह रहा होता है, लेकिन हमें इस बात पर डिसीजन लेना होता है कि हम किस चीज़ को सही मानते हैं, भले ही वो लॉजिकल हो या ना हो। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। आपका इतना प्यार और आपका इतना विश्वास मेरे चैनल पर रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा ही नहीं, हम सबका चैनल है। आप इस चैनल की वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमें इस परिवार को बढ़ाते जाना है। थैंक यू सो मच।